आज का टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड बेनिफिट्स। तो पहले तो आज की डेट में ये वर्ड बोलना, स्ट्रेस फ्री लिविंग, इज ए मिथ। अगर आप जिंदा हैं, जंगल के अंदर नहीं है, अकेले नहीं है, तो स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। अगर जंगल में भी हैं तो आपको तब भी स्ट्रेस रहेगा, कहीं किसी शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। तो वर्ड टोटल स्ट्रेस फ्री इज अ मिथ। हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ का जो एक फंक्शन है जिसको बोलना चाहते हैं हम लोग, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। हमें स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस के साथ जीना कैसे है, स्ट्रेस जब जिसकी जरूरत नहीं है उस स्ट्रेस को कैसे कम करना है। रीजन बीइंग, जैसे मैंने अपनी बुक बी एम्पावर्ड में लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना ये बात, बड़ी गौर करने वाली, स्ट्रेस फ्री लिविंग की आपकी सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। हम जिन चीजों का स्ट्रेस लेते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया क्या होगा, ऐसा हो गया क्या होगा, वो 90% चीजें रियलिटी में होती ही नहीं, 90%। और 5% चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आप रियली अगर स्ट्रेस लें तो लाइफ को आप बहुत आगे लेके जा सकते हैं, एक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं लाइफ के अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं लाइफ के अंदर, जहां पे आपको रियली स्ट्रेस लेना चाहिए। जैसे एक अच्छा घर हो, जो बेसिक नेसेसिटीज है उसके लिए, जो आपके जो हॉबीज हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो आपको अचीव करना चाहते हैं, जो रियलिटी में आपको लगता है आपके लिए जरूरी है। ठीक है, हर एक इंसान शुरुआत करता है, मेरे पास ये हो ये हो, एंड में बोलता है क्या ये तो सब कुछ एक खेल था। और उस तक पहुंचने के लिए वो खेल भी जरूरी है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। जिस आदमी ने कुछ पाया ही नहीं है जिंदगी में, कुछ कमाया ही नहीं है, वो लॉस क्या करेगा। बुद्धा बनने के लिए पहले वो राजा थे, उसके बाद बुद्धा बने, उसको छोड़ के बुद्धा बने, छोड़ने की हिम्मत थी तो वो बुद्ध कहलवाए। जब सिद्धार्थ से ट्रांसफॉर्मेशन हुई बुद्ध की, क्योंकि उन्होंने छोड़ा सब कुछ, वहां तक पहुंचे हुए थे वो। कैसे पहुंचे थे, डॉक्टर रंजन ने आपको ऑलरेडी बताया, पिछले कर्माज होते हैं, लाइफ होती है, वी आर ऑन द जर्नी, तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो 5% 90% चीजों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब फालतू की टेंशन ले रहे हो, ऐसा हो गया कैसा हो जाएगा, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, अगर ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, जिंदगी ऐसी होगी, मेरे बच्चों का ऐसा होगा वैसा होगा, उनकी ये करना है वैसा करना है, अपनी लाइफ कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, वो 90% बेकार की, उसके बारे में आप होता ही नहीं है कोई, आपने क्रिएटेड स्ट्रेस बोलते हैं उसको। और 5% ऐसा होता है जहां पे आपको रियल प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेना चाहिए जो आपकी लाइफ की ग्रोथ का कारण होगा। और 5% ऐसा होता है जहां पे कुछ कर ही नहीं सकते हो। अब आपने कहीं बाहर जाना है, बहुत सी पार्टी रखी है, बारिश पड़ने लग गई, क्या करोगे उसमें, आपके हाथ में थोड़ी है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। मान लो किसी ने शादी रखी हुई है बाहर ओपन में और अचानक बारिश पड़ने लग गई, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस स्ट्रेस को 3 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। फर्स्ट, जो अनवांटेड है, अनवारंटेड है, जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, 90%। सेकेंड, विच इज प्रोडक्टिव स्ट्रेस। एंड जो थर्ड है, जिसके बारे में आप कुछ कर ही सकते हो, जो 95% है, उसकी हमें लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। और जो आपका 5% है, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेना चाहिए। अब स्ट्रेस फ्री लिविंग जी कैसे जाइए। अब स्ट्रेस फ्री लिविंग, जैसे मैंने बोला, मिथ है, तो हम बोलते हैं अनवांटेड स्ट्रेस से कैसे बचा जाए। अनवांटेड स्ट्रेस कौन सा वाला, अनवांटेड स्ट्रेस जो 90% हम लेते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इस स्ट्रेस को जानने के लिए हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में हमारे एवोल्यूशन में जाते हैं। हमारे एवोल्यूशन में स्ट्रेस हमारा हमेशा एक पार्ट रहा है ह्यूमन बींग्स का। किस तरह से, पहले हम क्या थे, केव्स में रहते थे, जंगल में रहते थे, तो हमेशा एक लेवल के ऊपर, जैसे जो लोग बाकी लोग केव के अंदर है, जो लोग बाहर है उनके ऊपर एक टाइम के लिए स्ट्रेस रहता था, कहीं जानवर ना आ जाए, क्योंकि दूसरा जो कबीला है, ट्राइब है, वो अटैक ना करते, तो उस चीज के लिए वो तैयार रहते थे। वो क्या होता था, मान लो 23 घंटे है, 23 घंटे में से, या आपके 30 दिन है, 30 दिन में से 2 दिन आपके पास स्ट्रेस है, 2 दिन में भी 5 घंटे स्ट्रेस है आपका, बाकी टाइम आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है। तो उस समय स्ट्रेस फ्री लाइफ थी तो हमारी लाइफ क्या थी, डिजीज फ्री थी, हमें डिस ईज नहीं था, हम लोग लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते थे, एक ह्यूमन बींग की जो सानिध्य होता है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसको फील कर पाते थे, उससे बात कर पाते थे, ये सब चीजें उस समय प्रेजेंट थी। आज हम एवोल्यूशनरी पार्ट को आज के प्रेजेंट सिनेरियो में लेके आ जाते हैं। अब क्या है, कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस हमारे ऊपर रहता है, कहीं दिमाग में रहता है, स्ट्रेस आता कहाँ कहाँ से,
कुछ स्ट्रेस आते हैं हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से। वो लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या हम जिसको क्रिएटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे प्रमोशंस लेनी है, मुझे फैमिली का स्ट्रेस है, मुझे अपनी जॉब का स्ट्रेस है, मुझे अपने बॉस का स्ट्रेस है, मुझे अपने जूनियर्स का स्ट्रेस है, मुझे अपने बच्चों का स्ट्रेस है, मुझे ये कम्युनिटी का स्ट्रेस है, मुझे ये पानी नहीं आया उसका स्ट्रेस है, मुझे ये लाइट चली गई है उसका स्ट्रेस है, मुझे जो नया घर बन रहा है या नया जिस घर में रह रहा हूँ उसकी ईएमआई का स्ट्रेस है, जो गाड़ी ली है उसका स्ट्रेस है, जो गाड़ी ली है उसके बाद जो नई गाड़ी लेनी है जिसका मेरा सपना लेना है, मतलब ये गाड़ी लेनी है, तो उसका स्ट्रेस है। ये सारे स्ट्रेसेस जो है जो हम समझ नहीं पाते हैं हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हम कभी बैठते नहीं अपने आप के साथ, अपने आप के साथ बैठ के भी सोचते नहीं है मेरी नीड क्या है, इस स्ट्रेस के साथ मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं। फिर एक स्ट्रेस ये वाला आ जाता है जो इस चीज से रिलेटेड है, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है मीडिया। मीडिया कैसे, न्यूज के अंदर जिससे बोलते हैं ना, इस तरह से बोलते हैं चैन से सोना है तो जाग जाओ, हमें भी लगता है मेरे आसपास सारे के सारे लोग चोर है, कातिल है, किडनैपर्स हैं। तो हर किसी इंसान को आदमी इंसान नहीं देखता है, एज ए चोर, एज ए किडनैपर, एज ए मर्डर, उस तरह से देखता है। फिर किसी एक चीज को पकड़ के उसको इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे पिछले कुछ दिनों में एक बेटी की हत्या हुई थी, तो उसके जो दर्दनाक जिस ढंग से हत्या हुई थी, उसके जो ऑर्गन्स थे वो कहाँ कहाँ फैलाए गए, फिर नेटफ्लिक्स के ऊपर उसके तरह की एक और सीरीज है, वो सीरीज में क्या दिखाया गया था, उसके आगे क्या चल रहा है सुबह से लेके शाम तक, वो जो चीजें हैं वो आपको स्ट्रेस देती है। जैसे कि आपका एक तो प्रिंट मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया तो लोग बहुत कम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, दूसरा ये वाला जो टीवी है, न्यूज है, ये आपको कंटिन्यूसली स्ट्रेस बमाबर करता रहता है, ये एक तरह का स्ट्रेस आ गया। फिर थर्ड तरह का स्ट्रेस हमारे कहाँ से आता रहता है, वो आता रहता है हमारा सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया भी एक तरह का स्ट्रेस बन गया है, कुछ लोगों के लिए अच्छा दिखने के लिए, कुछ लोगों के लिए पोस्ट डालने के लिए, कुछ लोगों के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के, कुछ लोगों का बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे एक कंपैरिजन, एक जलन, वो सब कुछ कंटिन्यूसली वो चलता रहता है। तो इनमें से और भी बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, मैंने सबका नाम नहीं लिए हैं, वो आप लोग खुद बेटर जानते हो, आप किन चीजों का स्ट्रेस लेते रहते हो। कम से कम आज के सेशन में जब मेडिटेशन करेंगे तो आंखें बंद करके चुपचाप ये सोचना, यार मैं जिस चीज का आज सुबह स्ट्रेस लेके उठा था, क्या वो रियली स्ट्रेस है, क्या वो रियली एग्जिस्ट करता है, या आप एक बार इतना सोच के देखना, जो स्ट्रेस आपका 10 साल पहले था आज उसका क्या हाल है। 10 साल पहले आपको लगता था अरे इतनी बड़ी चीज, लाइफ खत्म हो गई है, शायद जिंदगी खत्म कर लो अपनी, लेकिन आज वो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि समय की धारा चलती रहती है और ये लाइफ भी ऐसी है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये सारा अगर स्ट्रेस मिला लिया जाए तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट जो हम हमेशा स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर हम बार बार बात करते हैं, वो इफेक्ट डालता है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी पीस ऑफ माइंड के ऊपर, हमारे जो कम्युनिकेशन है बाकी लोगों से, मिलने जुलने की, बातचीत करने की, जो जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन आता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो ये ऐसा नहीं सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, आप जस्ट देखिए एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन होगा तो आप एक्सरसाइज कम करोगे, ज्यादा कम लोगों से मिलोगे, रूम में रहोगे, खाओगे ज्यादा, तो आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती रहेगी तो ज्यादा वो साइकोलॉजिकल और डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, ये एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जो अल्टीमेटली आपको हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर हॉस्पिटल के खर्चे, हॉस्पिटल के बिल्स, वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो होलिस्टिक हेल्थ है, उसको नहीं अपनाएंगे, जो कि जीरो बजट हेल्थ है। डॉक्टर रंजन जो अपनी बुक लिख रहे हैं उसका नाम भी यही है, जीरो बजट हेल्थ। तो वो जीरो बजट है, उसके लिए हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री है। जैसे अपनी ऑक्सीजन आज के डेट में फ्री है, लेकिन जब सिलेंडर में आती है, जब कोरोना था तो कितना महंगा हो गया था। तो इस तरह से हम उस समय उस चीज के ऊपर जाएंगे जहां पैसा खर्च होता है। तो स्ट्रेस का इफेक्ट पहला कहां पर आ गया, आपकी हेल्थ के ऊपर, सभी हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। और यहाँ पे ये बात भी बोल दूं, ये सारी हेल्थ जो है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे सोशल हेल्थ हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इसको हम अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग ढंग से नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी सोशल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। वही मान लेते हैं, इनमें से कोई और पिक कर लेते हैं, आपकी अगर फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो आपकी सोशल, स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ जब की खराब होगी। वहीं आपकी सोशल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो आपकी बाकी जो तीनों चीजें हैं, तीनों बिंदुस हैं, तीनों पिलर्स हैं आपकी हेल्थ के, वो भी अच्छे नहीं होंगे। रिसेंटली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक रिसर्च आई है बहुत बड़ी जिसको ब्लू जोन्स बोलते हैं, इकगी बुक के अंदर उसको बोला गया है, और भी रिसेंट रिसर्चेस आई है बहुत
उन्होंने बोला, उन्होंने चेक किया कौन से लोग सेंचुरी मारते हैं अपनी एज की, कौन से लोग 100 साल जीते हैं या 100 साल से ऊपर जीते हैं हेल्दी वे में। तो उन्होंने देखा वो वाले लोग नहीं जीते जो जिनके हॉस्पिटल अच्छे हैं, जहाँ के जो फैसिलिटीज है वहाँ अच्छी है, वो लोग भी नहीं जीते हैं जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी लंबा नहीं जीते हैं जो लोग एकदम हेल्दी खाना खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, ये खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, या नॉनवेज खाते हैं, जो भी आपके क्राइटेरिया है खाने पीने की जो भी चीजें हैं, वो लोग भी लंबा नहीं जीते हैं जो लोग ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो नहीं होते। तो कौन से लोग सबसे ज्यादा जीते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सेंचुरी मारना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो रिसर्च ने ये बताया जो लोगों की सोशल लाइफ, जो लोगों की सोशल लाइफ, जो लोगों की कम्युनिटी लाइफ हेल्दी होती है, अपनी कम्युनिटी के साथ दिल खोल के जीते हैं, वो बोलते हैं ना अगर दिल खोला होता यारों के साथ ना खोलना पड़ता औजारों के साथ, तो जो लोग अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो लोगों को सेंचुरी लगाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सोशल हेल्थ जो है ना, हम लोग बहुत हमारे इस वाले जो बिंदु है हेल्थ का, उसको मिस कर देते हैं। ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की जो डेफिनेशन बनाई है, उसके अंदर स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, मेंटल वेलबींग नहीं बोला है, उसका रीजन है, वो भी एक रिसर्च के ऊपर बोला है। वो अलग बात है हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स या बाकी लोग अलग अलग कारणों से उस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं, बोलते नहीं है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी सफर करते हैं, उनकी सोशल लाइफ, मेंटल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ या फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, या बोलूँ सभी डॉक्टर्स की अच्छी नहीं होती है, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी अच्छी होती है। तो फर्स्ट जो हमारा इफेक्ट करता है वो हमारी हेल्थ के ऊपर, जो ये चारों बिंदु हैं वहां पे इफेक्ट करती है, हमारा जो स्ट्रेस होता है, लगातार स्ट्रेस चलता हुआ। तो जब ये स्ट्रेस आपका इफेक्ट करता कहाँ कर रहा है, तो आपके अगर स्ट्रेस है, मान लीजिए आपने कोई, आप जॉब में, जॉब में आपको बहुत टेंशन है, बहुत काम है, आप जो काम है वो घर पे भी लेके आ रहे हैं, सब कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जो स्ट्रेस है वो आप घर पे भी लेके आ रहे हैं, तो होगा क्या, आप बहुत काम कर, लेकिन पे आपका स्ट्रेस बढ़ता रहा है, इसको मैनेज करोगे तो आपका जो वहां पे जो ऑफिस वाला काम है और डिस्टर्ब होगा, वहां पे और डिस्टर्ब होगा, ये विशेष साइकिल है। मतलब स्ट्रेस क्या है, आप एक समझने की कोशिश करो, स्ट्रेस भी एक बीमारी है, स्ट्रेस भी एक बीमारी है जो हमें पता ही नहीं है कि वो एक बीमारी है। स्ट्रेस बीमारी नहीं है, स्ट्रेस को हम बीमारी मान रहे हैं, ये बात, ये बीमारी है। अगर हम स्ट्रेस को यू स्ट्रेस स्ट्रेस के डीपर डायनेमिक्स में जाएं, तो यू स्ट्रेस, नेसेसरी स्ट्रेस एंड अननेसेसरी स्ट्रेस, जिसको हम स्ट्रेस की तरह ले रहे हैं अपने लाइफ में ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण, तो उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है। अब यहां पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। अगर हम मैनेज करने वाले स्ट्रेस को भी अगर लाइफ में मैनेज कर लेते हैं, तो भी लाइफ में हम बहुत मस्त रहेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर संदीप ने जो भी थ्योरी हमें बताई स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, अब हम स्ट्रेस को कम करने के प्रैक्टिकल में चलेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, अगर आप चैट में कमेंट करना चाहें, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, अगर आपको लाइफ में, आपके ऑफिस में, आपके परिवार में अगर स्ट्रेस कभी होता है, तो आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, अगर आप इसमें कुछ चैट में लिखना चाहें, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस बाय डूइंग वेरियस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करके स्ट्रेस को मैनेज करती हैं कपिला जी। डीप ब्रीदिंग एंड एक्सहेलिंग थ्रू माउथ। डॉक्टर संदीप, आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल आप चेंज कर लीजिए। टेकिंग एक्शन, स्ट्रेस के बारे में सोचते रहने से
कुछ नहीं होता है, टेक एक्शन. डॉक्टर गगन लिख रहे हैं, वेरी नाइस. हम अगर सोचते रहे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसके बजाय हम कुछ एक्शन लें, तो मूवमेंट से स्ट्रेस मैनेज होने लगता है. म्यूजिक के द्वारा स्ट्रेस मैनेज करती हैं फिरोजा जी. म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल टूल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. साक्षी भाव, ये देखिए आ गए हमारे ओशो प्रेमी. साक्षी भाव से भी स्ट्रेस को हम किनारे रख सकते हैं. स्ट्रेस को अपने लाइफ में, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में हम हावी ना होने दें. लेकिन साक्षी भाव लाने के लिए एक अच्छी साधना चाहिए. यस, साक्षी भाव से भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है. टेक इट इजी. अरे जो भी होता है की फर्क पैदा है, ऐसा एटीट्यूड भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकता है. डॉक्टर संदीप, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस? डॉक्टर रंजन, मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 4-5 काम करता हूँ, और मैं चूज नहीं करता हूँ, अपने आप ऐसा आ जाता है. मैं किसी एक दोस्त से बात करता हूँ, जैसे डॉक्टर गगन है, उनको कॉल कर देता हूँ. बहुत जरूरी है आपके दोस्त होने चाहिए. जब मैं नंगे पाँव घास के ऊपर चलना शुरू कर देता हूँ और कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग करता हूँ, और मैं बोलता हूँ इस समय मेरे को स्ट्रेस है, ये मानना पड़ेगा, और किस चीज का स्ट्रेस है उस चीज को भी काउंटर करता हूँ. ये इस चीज का स्ट्रेस है, तो इस चीज का क्या क्या रियलिटी है और क्या क्या क्रिएटेड है, उस चीज को देखता हूँ. या फिर मैं आराम से मेडिटेशन बैठ जाता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के. जैसे आपने बोला की फर्क पैदा है, जो होगा देखा जाएगा. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. अब कर दिया है, हो गया है, तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. तो ये कुछ चीजें हैं जो करता हूँ. और जैसे किसी ने बताया म्यूजिक है, तो मेरे लिए म्यूजिक एक बहुत बड़ा एक थेरेपी है. तो घर में बहुत सारे ऐसे रागा के हमारे पास म्यूजिक रखे हुए हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं साउंड हीलिंग करता हूँ. अपना साउंड को बाउल्स को बजाता हूँ, या हैप्पी ड्रम है उसको बजाता हूँ, या रावस्त का मेरे पास एक अलग से ड्रम है, या गोंग है, वो प्ले करते हैं. वो जो इस सब चीजों में कुछ ना कुछ ऐसे आता है. लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज ये है, इन सब चीजों से पहले आपको अपने आप को ये बोलना पड़ेगा मेरे को इस समय स्ट्रेस है. फिर आपको ढूंढना पड़ेगा मेरे को किस चीज का स्ट्रेस है. ऐसा नहीं, क्योंकि स्ट्रेस इज लिंक्ड. स्ट्रेस आपको एक चीज का होगा, वो पास्ट में जितना भी उसकी लूप है, ये लूप मैनर में आपके साथ में आ जाता है. तो रियलिटी में किस चीज का स्ट्रेस है, स्ट्रेस है. फिर आप उसको चेक करोगे, ये स्ट्रेस रियल है, क्रिएटेड है, या मैं इसके लिए क्या एक्शंस ले सकता. तो फिर उसके बाद में जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया वो चल पड़ता है. अपना बताइए, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे एनकाउंटर करते हैं? या आपको ऐसा मत बोलिए मेरे को स्ट्रेस आता ही नहीं है. लाइफ में एक्सपेक्टेशन अगर हम मिनिमल रखते हैं तो यस, इससे स्ट्रेस काफी कम आता है. ये एक बात मैंने सीख ली है बुद्धा से. जो भी होता है, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, एवरी आउटकम. तो स्ट्रेस से काफी मैं इम्यून हूं, यह बात तो है. और जो प्रैक्टिकल टेक्निक है मेरे लिए, डॉक्टर गगन ने जो कहा, टेक एक्शन, मूव ऑन. हम किसी भी एक सिचुएशन में अगर हम सोचते रहेंगे तो वो हमारे लिए स्ट्रेस बनता है, प्रॉब्लम बनती है. अगर आप अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटीज में, ऑब्वियसली दैट विल बी ए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, देर आर सो मेनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. आप कुछ देख सकते हैं यूट्यूब पे, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म, बहुत सारे टू बी वॉच लिस्ट में रहता है इंटरव्यू, या कोई वॉकिंग करने को जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं. और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मेरे पास है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मैं बजाता हूँ. जैसे म्यूजिक थेरेपी आप करते हैं, बांसुरी है, शंख है, डमरू है, तो उनसे भी हम अपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं. सुपर. और अगर लाइफ में रेगुलर मेडिटेशन हो तो फिर हमारा रेजिलियंस टुवर्ड्स स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है. एग्जैक्टली. मैं ये भी कुछ दोस्तों से पूछना चाहूंगा. मैं जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अब हम एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं कि एक्सपीरियंस क्या होता है, रियलिटी होती है. हम पहले क्या थे, अभी क्या है, ऐसा क्यों बन गए, ऐसा
अच्छे बने तो कैसे बने, बुरे बने तो कैसे बने, चेंजेस आए तो कैसे आए। तो स्ट्रेस के मामले में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, स्ट्रेस और एंगर हम दोनों को मिला के देखते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो स्ट्रेस होता है, आप नोट करोगे स्ट्रेस के साथ में आपका एंगर आता है। दो तरह का एंगर होता है, एक एंगर होता है एंगर आउटवर्ड एंड एक होता है एंगर इनवर्ड। जो एंगर आउटवर्ड होता है वो एक्सप्रेस होता है, जैसे आप किसी स्कूल में बच्चों को देखोगे दूसरे बच्चे को बुली करेंगे और करेंगे। जो एंगर इनवर्ड होगा वो अपनी तरफ होगा, किधर होता है मैं तो एंगर थोड़ी दिखा रहा हूँ, मैं तो गुस्सा थोड़ी हूँ, लेकिन आपके अंदर ही अंदर जो चीज है वो एक तरह से चल रही है। तो हम लोग स्ट्रेस को और एंगर को एक साथ करके देखते हैं, ये स्ट्रेस और जो एंगर है वो किस तरह से ये रिलेटेड है। स्ट्रेस सबको आता है, एंगर भी उसके साथ आता है, लेकिन हमारे पास रेमेडीज क्या क्या है उस चीज के लिए, जो हम लोग कैसे करते हैं। तो जब मैं अपनी उम्र में था, लगभग मेरे को अभी तक याद है, आप कह सकते हैं एट्थ नाइन्थ में मेरे को गुस्सा बहुत आता। मैं ईमानदारी से, ऑडियंस के सामने ईमानदारी बहुत जरूरी होती है, इतना गुस्सा आता था भी मैं अपने जो खाने की थाली को भी ऐसे मतलब फेंक देता था, क्योंकि वो जो समझ होती है और होती है वो नहीं होती है। बहुत गुस्सा होता था, घर वालों ने पंडित पंडित को दिखाया कि बंदे के कुछ ग्रह में नुक्स हो, पुराने जन्मों में कुछ हो और हो, तो पंडित जी ने बोला अभी इस बंदे का नाम चेंज कर। तो पहले मेरा नाम नवदीप था, तो पंडित जी ने मेरा जो नाम था वो चेंज करके बोले इसका नाम एस पे रख दिया, इसके नाम में कुछ खराबी है, खोट है, तो इसका नाम चेंज कर दो। तो उन्होंने मेरा नाम एस पे कर दिया, लेकिन नाम चेंज करने से ग्रह चेंज हो जाते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आए। तो लेकिन मैंने अपना जो लाइफ है उसको चेंज करना शुरू किया मेडिटेशन के थ्रू। जब मेनली लगभग जब मैं MBBS कर रहा था, मैं अपनी MBBS चल रही थी, MBBS तक तो कोई होश होता ही नहीं है, मेरे को इतना होश नहीं था, ऐसा नहीं बोल सबको नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पिछले कर्म होते हैं, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, जहाँ उनकी किस्मत अच्छी होती है। तो उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में गए तब कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिन पे लगा यार ये लोग ऐसे क्यों है और मैं ऐसा क्यों। तो लोग ओशो को फॉलो करते थे, ओशो की बातें करते थे, ओशो के शिविर में जाते थे, सब कुछ करते थे, तो मुझे लगता था यार ये पागल लोग हैं, इस उम्र में ये बुड्ढे बड्ढे होते हैं तब ओशो वोशो सब कुछ करना चाहिए, ये आर्ट ऑफ लिविंग ये सब कुछ मतलब ये बुड्ढे बड्ढे लोग हो जाते हैं तब करना चाहिए, अभी तो लाइफ है जो ऐश करने का नाम है, आपको लाइफ देखनी है, आगे चलना है और चलना है। तब थोड़ा थोड़ा चीजें समझ आने लगी, लेकिन अभी भी मैं उन लोगों को पागल समझता था, लेकिन मेरी लाइफ बढ़िया चल रही थी। एक बात बताऊं, जिस आदमी को इन चीजों का ज्ञान नहीं होता ना, जैसे बोलते हैं लेस नॉलेज इज ब्लिस, आपको नॉलेज नहीं है तो आप एकदम से टेंशन फ्री रहते हो, अगर आपको नॉलेज होगी तो गिल्ट फीलिंग आएगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर हमें इस जर्नी के ऊपर हमें नॉलेज हो गई है, अगर फिर भी हम ऐसा चल रहे हैं तो हमें गिल्ट फीलिंग आएगी, अगर नॉलेज ही नहीं है तो क्या गिल्ट फीलिंग आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, तब तक लोग दुनिया को पागल समझते हो। अब समझिए लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा होता है जब ऐसी चीज समझते हो आप। तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज के बाद जब निकला तो लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने मुझे साक्षात भेजा, जैसे हमारी किस्मत होती है, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आना शुरू हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया करनी शुरू की, फिर ओशो के जो कैंप्स थे उसमें जाना शुरू किया। एक चेटक लग जाती है ना, एक वो लग जाती है। तो मैं कह रहा था पहले में और अब में क्या डिफरेंस देखता हूँ। पहले जो था, पहले हर चीज में थोड़ा सा कुछ चीज आती मैं रिएक्ट करता था, इस आदमी मेरे को बोल दिया तो वापस बोलने का बोलने का, इसने ऐसा कर दिया तो बदला लेने का लेने का, मतलब नेचुरल है, ऐसा नहीं लेता वो आदमी गलत है, जो लेगा तो लेने ही लेना है, और हम लोग तो पंजाबी हैं, मतलब पूरा ये करना। और स्ट्रेस फ्री हमारी कैसे होती है पंजाबी को तो सबको पता है, गाली वाली लड़ाई वड़ाई और खाना पीना, यही होता है हमारा सबका। तो अभी मैं चेंज देखता हूँ, अभी मेरे को वो चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं। कुछ दिन पहले की बात करता हूँ मैं, कुछ दिन पहले कोई आदमी मेरे को बोल रहा था सर आपके पीछे से वो आदमी ये बोल रहा था, तो मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, वो अपने कर्मा कर रहा है, सर हाउ यू कैन से दिस। मैंने बोला ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता रियली। बोला नहीं आपको फर्क पड़ेगा, अभी सामने ऐसा बोल रहे हो। मैं कैसा नहीं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तारीफ कर रहे हो उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप बुराई कर रहे हो उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो पीछे से कोई कुछ कर रहा है उसका भी फर्क नहीं पड़ता, आगे से कोई कर रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट चेक वो आदमी जो बोल रहा है वो रियलिटी है कि नहीं है, अगर वो रियलिटी है वो मेरा फायदा कर रही है। आदमी बोल रहा है आपको ये कमी है, इस तरह से आप करते हो, मुझे चेक करूंगा मैं, अगर लगता है वो आदमी सही बोल रहा है
तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अपने आप के अंदर चेंज लेके आने की कोशिश करूंगा, ये नहीं करूंगा उससे गुस्सा करूंगा। अगर वो ऐसे ही बोल रहा है तब भी मैं उससे गुस्सा नहीं करूंगा। तो ये जो चेंजेस है मैं अपने अंदर क्लियरली देख पाता हूँ, और मेरी वाइफ खुद बोलती है, और जो लोग मुझे जानते हैं सेशन के ऊपर है भी हैं वो समझते होंगे, वो जानते हैं मेरा गुस्सा बहुत कम आता है, मैं गुस्सा करता ही नहीं, मतलब रेयरली गुस्सा आता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं साल में एक आध बार आता है या दो बार आता है तीन बार आता है। लोग बोलते तुम अंदर अंदर दबाते हो। नहीं, अंदर दबाता नहीं हूँ मैं, उसको हैंडल करना सीख गया हूँ। ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता, बोलो एकदम से संत बन गए हैं कभी गुस्सा नहीं आता है, वो भी रियलिटी नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, मैं दुनिया में रहता हूँ, ऐसा नहीं हम बोलो गलत बात है, मैं अपने लिए बात करता हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ। तो डॉक्टर रंजन आप में क्या चेंजेस है आप थोड़ा बताएंगे? चेंजेस विद टाइम, जब अपने मेडिटेशन इन सब चीजों को कंट्रोल करना सीखा नहीं था और जान गए जब आप, तो उसमें क्या चेंजेस? हाँ, लाइफ में एक्सेप्टेंस बढ़ाए कि एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, सो इट्स ओके टू हैव समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, एंड अगर हम उसको जितना वेलकम नहीं करते उतना स्ट्रेस होता है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, मूव ऑन। स्ट्रेस को अगर हम जितना रेसिस्ट करते हैं, जितना हम रेसिस्ट करते हैं उतना वो स्ट्रेस बनता है, जितना कम रेजिस्टेंस है उतना कम स्ट्रेस है। मूव ऑन, फोकस ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक सम एक्शन, कुछ कुछ भी एक्शन करने को नहीं हो तो टेक ए वॉक, गो इन ओपन नेचर। तो स्ट्रेस, आई थिंक आई एम प्रो विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। ग्रेट, बाकी तो जो ऑब्जर्वर हैं डॉक्टर गगन हैं डॉक्टर संदीप हैं, आप दोनों बता पाएंगे या और लोग बता पाएंगे। बेसिकली खुद को पता होना चाहिए डॉक्टर रंजन, हम अपने आप को क्या मानते हैं, हम उसको कैसे डील करते हैं, कैसे करते हैं। और कई बार क्या होता है, मैं दोस्तों से एक बात और बोलता हूँ डॉक्टर रंजन, नॉट अदरवाइज, मैंने लाइफ को और देखा है, अगर हम स्ट्रेस फ्री लिविंग के अंदर जा रहे हैं, तो आज जब सेशन शुरू नहीं हुआ था डॉक्टर रंजन का बहुत ही शानदार वीडियो चल रहा था, उस वीडियो के अंदर एक जो पॉइंट था बहुत ही गहरा पॉइंट था, वो गहरा पॉइंट क्या था, तो लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर रंजन कह रहे थे हमारा धरती के ऊपर, जैसे डॉक्टर ब्रैंडविस बोलते हैं, बहुत सारी बुक्स बोलते हैं, हम धरती के ऊपर एक धरती एक स्कूल है, प्लैनेट अर्थ एक स्कूल है, हम उसमें सीखने के लिए आते हैं, एजुकेट करते हैं, हमारी जो आत्मा है वो ग्रो करती है एक स्टेज से लेकर दूसरी स्टेज तक। उस दूसरी स्टेज में जैसे हमें सिक्स से लेकर सेवन्थ में जाना है तो एक एग्जाम पास करना पड़ता है, तो फिर हम उसमें पास कर जाते हैं तो नेक्स्ट चले जाते हैं, लेकिन उस क्लास में तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हम उसको जंप कर जाएंगे और करके, इस तरह से हम धरती पे आते हैं। तो मैंने लाइफ का एक एक्सपीरियंस देखा है, आप सभी लोग मेरे से एक्सेप्ट भी करोगे, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। जैसे ही आपको लगता है लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, एकदम शानदार चल रही है, कमाल की चल रही है, मैंने इस चीज को मास्टरी कर ली है, देन वो ऊपर वाला आपका टेस्ट लेने के लिए, उसको पता है आपकी कैलिबर क्या है, एक नया टेस्ट दे देता है। वो आपको कभी वो टेस्ट नहीं देता है जिसके लायक आप नहीं हो, तो आपको लाइफ का ऐसा टेस्ट देता है, उसको बोलता है आ जाओ अभी इस टेस्ट को, तो बोलते हैं मैं तो इसका आंसर तो मैंने पता था, ये सब कुछ पास ही करने, नया क्वेश्चन कहाँ से आके तो वो ऐसा क्वेश्चन फेंकता है। तो दिस इज ग्रोथ, मैं ये बात को देखता हूँ, हमें इस चीज को इस एंगल से भी देखना है, ये एक नया एंगल है। हम लोग कभी इस तरह का सो जाते हैं, स्टेग्नेट हो जाते हैं, तो अगर वो नया क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी हमारी ग्रोथ नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे ग्रोथ के बारे में सेशन के शुरू में, एलन मस्क की, बाकी लोगों की, तो बोलते हैं ऐसे लोगों के साथ मत रहो जहां पे आप ही सबसे समझदार हो उस रूम के अंदर, ऐसे लोगों के साथ रहो जिस रूम में आपसे भी समझदार लोग हो, आपसे भी ऐसे लोग हो। ग्रोथ का एक इंजन ही यही चीज है, वो रूम छोड़ दो, वो रूम आपके लिए बना ही नहीं, जिस रूम में आप ही सबसे ज्यादा समझदार हो, आप ही सबसे एजुकेटेड हो। तो लाइफ का भी यही है, लाइफ में ग्रोथ के लिए जैसे आपको लगता है अरे सब कुछ मस्त कर लिया, सब कुछ मास्टरी कर ली है, सब लोगों के साथ ऐसा ही है, चाहे आप सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ले लो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन को ले लो, चाहे वो लाइफ के सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, चाहे बुद्धा को ले लो। अब बुद्धा को ज्ञान मिल गया था, उसको निर्वाणा मिल गया था, अब बुद्धा को क्या पड़ी थी गांव गांव जाने की, बुद्धा को क्या पड़ी थी लोगों से बात करने की, बुद्धा को क्या पड़ी थी संघा के अंदर, बुद्धा को क्या पड़ी थी संघा के, अगर आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ोगे जो लिखी गई है, तो क्या पड़ी थी बुद्धा को संघा के अंदर जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी उसको फेस करने की, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए थे। तो वही चीज है, आइदर वो आपको नया क्वेश्चन देगा या आप अपनी लाइफ का खुद एक नया क्वेश्चन, नया पड़ाव चूज कर लो, तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा।
थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, वॉलंटरी स्ट्रेस भी रहेगा और दिया हुआ स्ट्रेस भी रहेगा, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो। तो आपको अगर समझ लग गया अभी स्ट्रेस क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे मैं एक काम करता हूँ और ज्यादा कई बार नहीं कर पाता हूँ, ईमानदारी से अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं मैं परफेक्ट हूँ, कई बार करता हूँ कई बार नहीं करता हूँ। तो मैं दिन के अंदर एक टाइम ऐसा निकाल लेता हूँ जिसको मैं स्ट्रेस टाइम रखता हूँ, बस एक घंटे में जितने दिन के स्ट्रेसेज है ना उसी समय उनको डिस्कस करना है अपने आप के साथ में, या उनका सोल्यूशन देखना है बुक के अंदर, कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर। तो मैंने अपनी एक जर्नल लगाया हुआ है, जर्नल के अंदर मैं लिखता रहता हूँ दोस्तों स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, रियल कन्फ्रंट करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। जब हम उस चीज को लिख लेते हैं ना तो हम उसको समझ पाते हैं, उसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, उसकी रियलिटी को चेक कर पाते हैं। अदरवाइज क्या है, ये जो है ना अपना खोपड़ी है ये जो 900 ग्राम की यहाँ पे चीज है जिसको बोलते हैं, जिसकी वायरिंग जो जिस तरह से हुई हुई है, जब वायरिंग जिस तरह की बनती रहती है, जिस तरह की न्यूरोप्लास्टी हो जाती है, ये खेल खेलती है। इसको खेल को जानने के लिए, ये खेल है क्या, लिखना बहुत जरूरी, बहुत प्रैक्टिकल चीज है। अब लिख लो अपने जर्नल के ऊपर, लिखने से क्या होगा, उससे क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी से क्या होगा, आप उसको कन्फ्रंट कर पाएंगे, उसकी रियलिटी को चेक कर पाएंगे, उसके सोल्यूशन को ढूंढ पाएंगे। या जैसे कि पहला सोल्यूशन ये, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। दूसरा ये, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेट इट बी, टाइम अपने आप ठीक करेगा। थर्ड, ये मेरा खुद का क्रिएटेड किया हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ, ये भी बीत जाएगा, लेट मी वर्क स्लोली, इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं हम, आप सबके एग्जाम्पल अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे मैं एक एक्टर थे बहुत बड़े पराशर, बहुत सारी मूवीज में आया, निकाह मूवी में थे और मूवी में थे, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो उनका क्या हुआ, एकदम टॉप पे थे, निकाह मूवी हिट हुई, उनकी और मूवी हिट हुई, एकदम नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाले थे। दुबई में गए, दुबई में क्या हुआ, दुबई में उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के अंदर उनकी जो पैर था वो एक मोटर के अंदर फंस गया, बहुत मुश्किल से निकाला, डॉक्टर ने बोला शायद गैंग्रीन हो गया, पैर काटना पड़ेगा। तो बहुत देर व्हील चेयर पे रहे, उनकी वाइफ को लगा याद तो ऐसे रहेगा, वाइफ भी छोड़ के चलेगी, बेटी भी छोड़ के चलेगी, अकेले रहेगी, खुद वो डिप्रेशन में चले गए। अब यस, दिस स्ट्रेस इज रियल, पैर नहीं है, दिस स्ट्रेस इज रियल, वाइफ नहीं है, दिस स्ट्रेस इज रियल, बच्ची नहीं है, अब क्या किया जाए। ये मैं ऐसे बोला, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया जाए, तो उस समय क्या है, यस दिस थिंग इज रियल, दिस इज हैपनिंग, मेरे पैर को ऐसा हुआ है, कल मैं एक सुपरस्टार था, आज मैं सुपरस्टार नहीं हूँ, आज मेरे को मूवीज भी मिल रही है, अब मुझे तो मिलने भी नहीं आता है, अब कोई मेरे इंटरव्यू लेने नहीं आता है, नाउ व्हाट टू डू। अब लिख लो इसको, अगर उस समय लिख लिया जाए दिस इज द रियलिटी, व्हाट टू डू, तो एक रियलिटी क्रिएट होगी, एक्सेप्टेंस क्रिएट होगी। यस, जैसे शुरू में बात की थी उस चीज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस क्रिएट होगी, दिस इज इट, ये रियलिटी है, कल मैं सुपरस्टार था, आज नहीं हूं, कल मेरा पैर एकदम मस्त चकाचक था, आज चकाचक मस्त नहीं है, कल मेरी वाइफ थी, बीवी थी, फैन थे, लोग थे, लोग मेरे से मिलने आते थे, आज नहीं है। तो अब क्या करें, मर जाएं, नहीं, स्ट्रेस से खत्म कर लिया अपने को, नहीं, दारू पीते रहें, नहीं, भगवान को कोसते रहें, नहीं, लिख लो, एक्सेप्ट कर लो, दिस इज इट, ऐसा हो गया है, दिया भी उसने था, लिया भी उसने है, अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, अब चॉइस बनती है, अब आपके पास सब लोग आंसर आ जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी उस सिचुएशन में होता है तो हमें सॉल्यूशंस नजर नहीं आते हैं, हम क्या करते हैं, इधर भगवान को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं। तीन जगह का मेन होता है, जहां लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने आस पास के लोगों को कोसते हैं, जहां भगवान और दोनों चीज को रिलेट करके मैं बोलता हूँ किस्मत को कोसते हैं, और कुछ भी नहीं। लेकिन हम लिख लें, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, यही है, हम चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, जो जैसा आता है उसको आने दें, उसको एक्सेप्ट करें, लाइफ चेंजिंग है, हम एक चीज में कांस्टेंट नहीं है। और आज की डेट में जो पराशर है, फिर क्या हुआ उनको, बाद में फिर से उन्होंने खड़ा होना शुरू किया, फिर से कुछ अच्छी मूवी की, कुछ बी ग्रेड की मूवी की, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सब कुछ लाइफ ठीक होने लगी थी, फैन वैन बनने लगे थे, एक अलग से चीजें एक्सेप्ट कर ली थी, अचानक सब कुछ सही चला था, तो उनको गले का कैंसर आ गया। लेकिन उन्होंने, ध्यान से देखो, उस समय उन्होंने ओशो को फॉलो करना शुरू कर दिया था, तो उनकी जो पहले की लाइफ थी, जिस तरह की उनकी लाइफ पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, जब एक्सेप्टेंस नहीं थी, और जब एक्सेप्टेंस हुई तो उन्होंने अलग अलग थी, गले कैंसर को भी उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से फाइट किया, फिर उससे बाहर आए और उनके मुंह के ऊपर स्माइल। तो यही है स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका,
स्ट्रेस फ्री जीने का तरीका एक्सेप्ट करना, और स्ट्रेस है इसको एक्सेप्ट करना, और बिना स्ट्रेस के लाइफ कैसी होगी, मैं तो कभी सोचता हूँ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। कल को आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको सबको मैं, जिसको हम एक आइडियल चीज मानते हैं, मैं बोलता हूँ स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी भी नहीं चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? या तो आप स्ट्रेस लो या आएगा कहीं से, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मान लो आपके पास कल को कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके पास इतना पैसा है, आपको लगता है मेरे इतना पैसा मेरे को खाने का पीने का नहाने का कहीं जाने का चलने का, अगले चार पीढ़ियों तक मैं जीता रहता हूँ, 400 साल तक भी जी लूँ तो मेरे कमी नहीं आने वाली, जो भी मेरी लग्जरीज भी हैं मेरी नीड्स भी हैं वो पूरी हो। नंबर वन, आपको कुछ ऐसा भी नहीं है भी आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, आपको और करना है कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है, वो भी नहीं। आपको कोई खाने का स्ट्रेस नहीं है, आपकी फैमिली एकदम मस्त है, आपको पता है फैमिली मस्त है, आपने उनसे अलग हो गए हो, आपने सोच लिया मैंने अपनी फैमिली को सेट कर दिया है, अब उनके ऊपर उनकी लाइफ उनकी, तो अपनी लाइफ जस्ट इमेजिन करके, जब आप सुबह उठ रहे हो तो कैसे उठ रहे, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है थोड़ा सा यूज स्ट्रेस का, स्ट्रेस का, डिस्ट्रेस का, डिस्ट्रेस का, ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लाइफ के अंदर चैलेंजेस होने चाहिए, लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लाइफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लाइफ के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे लगे टेस्ट आए ये लाइफ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं स्ट्रेस, एंगर और एक एग्जांपल जो प्रेशर की आप गूगल करना यूट्यूब करना और करना स्टोरी पढ़ना, तो बहुत अननोन सेक्टर है, तो निकाह मूवी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। तो ये सारी चीजें को मैंने समझने की कोशिश की और उसको जितना मैं समझा हूँ आपको समझाने की कोशिश की। डॉक्टर रंजन, डॉक्टर गगन, आप इस चीज के बारे में कैसे समझते हैं, जो टोटल स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर हो जाए, स्ट्रेस ही ना हो आराम से, क्योंकि नए स्ट्रेस लेने का हिम्मत ही ना हो, मेरे कुछ नहीं लेना, जैसे आप कहते हैं स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गया हूं और कर गया हूं, क्योंकि आप, मैंने देखा है आप इतने कोर्सेज लेते हो, इतने लोगों के साथ में वो गीता का व्याख्यान करते हो और इतने ज्यादा सेशंस लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज का तो स्ट्रेस होता है ना, मुझे उस जगह पहुंचना है, मुझे लोगों से बात करनी है, तो ये कहा आता है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, जहां पे आप खुद चूज करते हैं फॉर योर हैप्पीनेस, ये स्ट्रेस नहीं है, इसको यूज स्ट्रेस बोलते हैं। तो लाइफ जो है, हम अगर जो एक ड्रीम करें स्ट्रेस फ्री लाइफ का, जिसको हम डिफाइन किया हुआ, या तो हम क्लियरिटी में डिफाइन करें स्ट्रेस फ्री लाइफ को, हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ इज ए मिथ, जैसे मैं शुरुआत में कहा था, तो अपना मेरे क्लोजिंग स्टेटमेंट है, मैं वहीं पे खत्म करता हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ इज ए मिथ, एक मिथ है, लाइफ कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारी एक बुक है हैरिसन, मेडिकल कॉलेज में हम हैरिसन पढ़ते हैं, तो हैरिसन में एक बात लिखी हुई है कैंसर के लिए, तो वो बोल रहे हैं हैरिसन, जो वो बाइबल है हमारी, गीता है मेडिकल स्टूडेंट की, जो भी मेडिकल स्टूडेंट होगा उसने मोस्टली वो बुक को पढ़ा होगा या खरीदा होगा खरीदा होगा तो उन्होंने कुछ भी चीज बोले ना, खरीदा पक्का होगा, जो भी उसको बाइबल बोलते हैं, बाइबल को बहुत लोग पढ़ते थोड़ी है, रख लेते हैं खरीद के दिखाने के लिए शेल्फ के ऊपर, तो मैंने ये थोड़ी बोला बाइबल तो है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं, पढ़ा होगा या खरीदा होगा दोनों अलग अलग बातें हैं, तो बाइबल को सभी लोग थोड़ी पढ़ते हैं रख लेते हैं, गीता को लोग रख लेते हैं, पढ़ते थोड़ी है सारे लोग खरीद के, तो बाइबल उसमें लिखा हुआ है कैंसर के लिए, उसमें लिखा हुआ है कैंसर के लिए बहुत शानदार बात, एक ही चांस है आपको कैंसर ना हो, आप पैदा ना हो। सिमिलर वे में मैं बोलता हूं, एक ही चांस है आपको स्ट्रेस ना हो कि आप जिंदा ना हो, अगर आप जिंदा हैं तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस फ्री लिविंग इज ए मिथ। स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए साथ में कैसे जीना है वो आपको चूज करना है, आपको सीखना है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही बुद्धा सिखाते हैं, यही ओशो सिखाते हैं, यही श्री श्री सिखाते हैं, यही सब लोग सिखाते हैं, बताते हैं अपने शब्दों में, और वो अपने तरह से बताते हैं। आज मैंने, डॉक्टर रंजन ने, डॉक्टर गगन ने अपने हिसाब से समझाया, अभी आपकी लाइफ में वो चीज किस तरह से लागू होती है, आज के सेशन में वो कौन सा मोती है जब चुन सकते हैं, जिसको अपनी लाइफ में डाल के आप ट्रांसफॉर्मेशन लेके जा सकते हैं, जिसके साथ में आप होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ, जो हमारा एक पर्पस है, उस हेल्थ के अंदर आप और इम्बाइब हो सकते हैं, और ग्रॉस हो सकते हैं, और अपनी लाइफ में धार सकते हैं, और लाइफ का जो रियल मजा है, फिर बोलता हूँ बार बार, लाइफ का जो रियल मजा है आप उसको टेस्ट कर सकते हैं,
डॉक्टर रंजन, ठीक है, सही बात है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लें फिलहाल के लिए, और वह भी लाइफ में हरिशन को हम कोट कर रहे हैं, कैंसर ना हो इसका एक ही है, आप लाइफ ही ना हो, जिंदा ही ना हो, अगर जिंदा है तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर रहेगा ही, ये हैरिसन के अनुसार बिल्कुल कैंसर ठीक है। लेकिन डॉक्टर संदीप, आपने जो बुक लिखी है, आपकी बुक का नाम है बी एम्पावर्ड, बी एम्पावर्ड, अब बी एम्पावर्ड के कंटेंट पे जाए, अप्रोच पे जाए, और हैरिसन के अप्रोच और कंटेंट पे जाए, तो जमीन आसमान का अंतर है ना। तो मेडिकल फील्ड जो है, अभी तक हम इंसान को मशीन की तरह देखता है और उसी तरह से ट्रीट करता है, तो वो अप्रोच ही बिल्कुल अलग हो जाती है। और जब हम उसके अपोजिट साइड में जाकर देखें, जब हम अपने आप को एनर्जी के रूप में, अपने आप को माइंड के रूप में, और अपने आप को कॉन्शियसनेस के रूप में देख रहे हैं, तो फिर लाइफ का आउटकम ही कुछ और होगा। तो खैर जी डॉक्टर रंजन, मैं यहाँ पे एक अपना अप्रोच बताता हूँ। अभी मैंने एक अपनी अप्रोच चेंज की है थोड़ी सी। पहले मैं मेडिकल बुक्स को ना ऐसे पढ़ता था, देखता था कि मेडिकल बुक्स हैं। फिर एक ऐसा फेज आया जहाँ पे मेरे को मेडिकल साइंस, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एजुकेशन ऐसे नजर आती थी, ये लोग लूट रहे हैं, ये लोग लोगों को खराब कर रहे हैं, ये लोग इस तरह से बने हैं। अभी मैंने उसके अंदर से बिटवीन द लाइन्स मेरे को स्पिरिचुअलिटी नजर आनी शुरू हो गई है, सच्चाई नजर आनी शुरू हो गई है। क्या आप लिखते कैसे हो, पढ़ते कैसे हो, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, तीनों चीजों में फर्क। हम अगर लिखाई में डिफरेंस डालें या उसको ध्यान से देखें, वो चीज नहीं है। जैसे मैंने अभी भी एक बात की है, अगर हम पैदा हुए तो हमें कैंसर हो सकता है, तो मैंने देखा है कि यस, हम सबके अंदर बुराई और अच्छाई दोनों है। वैसे हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स और गुड सेल्स हैं सबके अंदर, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ। ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीज का, जैसे स्पिरिचुअलिटी राम और रावण की स्पिरिचुअलिटी है, जैसे एक आपकी अच्छाई और बुराई की स्पिरिचुअलिटी है, जैसे कृष्ण और कंस की स्पिरिचुअलिटी है, वैसे ही कैंसर की और नॉन कैंसर सेल की भी स्पिरिचुअलिटी है, अगर ध्यान से देखेंगे तो। मैं उस चीज को उस तरह से देखता हूँ, अगर दोनों में किसको जिताना है, जो हम बात कर रहे हैं जीतने की है, उसको और ढंग से उस देखने की, लेकिन हमें इस चीज को भी देखना है, तभी तो ये चीज बनेगी। तो अब मैंने मेडिकल बुक को भी उस ढंग से देखना शुरू कर दिया। तो ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सही हो गलत हो, तो हर चीज को आप कैसे देख सकते हो, तो मुझे वो विरोधाभास नहीं लगता है, क्योंकि जो समझाने वाले हैं वो उसको अलग ढंग से समझाते हैं। वैसे ही मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बहुत ही बड़ी बात है जो मेरे को समझ लगी है। हम सभी लोग धर्मों के ऊपर लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये वो, बिना उनकी बुक्स पढ़े थे, या जिन लोगों ने वो बुक्स पढ़ी है अपने हिसाब से हमें समझाई। भाई लड़ लेना, तलवार उठा लेना, तोप उठा लेना, आप न्यूक्लियर बम चला देना, लेकिन पहले वो बुक को पढ़ दे। जो उसको समझा रहा है वो आदमी गलत है, वो गलत नहीं है, ना गीता गलत है, ना कुरान गलत है, ना ग्रंथ सब गलत है, ना बुद्ध गलत है, ना ओशो गलत है। जो लोग समझा रहे हैं उनको, जिस ढंग से समझा रहे हैं वो गलत है, वो अपनी चीज पकड़ रहे हैं। सिमिलर वे में हम जो बात कर रहे थे ना मेडिकल साइंस की, ये वो है, जो लोग उसको बता रहे हैं वो अपने पर्पस के हिसाब से, शॉर्ट विजन के हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए बता रहे हैं। एक पढ़ के बोल, जब पढ़ लेते हैं चीजों को, समझ लेते हैं और अपने अर्थ निकालते हैं, फिर से बोलता हूँ, जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और अपने अर्थ निकालते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड इतना ब्लॉक्ड हो चुका है, हम अपने अर्थ निकालना नहीं चाहते किसी चीज के। ऐसे करके ऐसे आंख बंद की है, लोग सुन रहे हैं, इधर कर रहे हैं, जो होते हैं ना गांधी जी के सब चीजें, सब चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में 900 ग्राम की चीज पड़ी है ना उसको यूज नहीं करते हैं, क्रिटिकल यूज नहीं करते। फिर से बोलता, अपने अर्थ निकालना, अपनी जिंदगी के खुद के अर्थ निकालना। स्ट्रेस फ्री लिविंग का एक बहुत बड़ी चीज है, हम इस लेवल पे आ गए हैं और ऊपर जाते हैं। स्ट्रेस फ्री लाइफ का एक और बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ी आज के सेशन का एक अगर आप निष्कर्ष निकाल लो, अपने लाइफ के खुद अर्थ देना, गिव मीनिंग टू योर लाइफ, अपने मीनिंग देना, किसी और के मीनिंग दिए हुए पर मत जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर रंजन क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर गगन क्या बोल रहे हैं, या कोई और क्या आदमी बोल रहा है, अपने आप के साथ आप बहुत बड़ी चीज है, अपने अर्थ निकल लो, स्ट्रेस फ्री लिविंग होगी। आप यूनिक हो दोस्तों, आप अलग हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ज्ञान खुद के अंदर है, आप खुद एक हीरा हो, उसको तराशने की जरूरत है। अगर आज के सेशन में हम ये चीजें नहीं समझ पाए और हम इतना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, अरे
उस ज्ञान से उस आदमी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन आपकी लाइफ में क्या है वो देखना है, और आपकी लाइफ में कौन सी चीज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, क्या नीड है आपकी या क्या यूज है उसको ध्यान से देखना, तो अपने अर्थ निकालना। तो हैरिसन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो मेरी जो बुक है डॉक्टर रंजन, बी एम्पावर्ड और हैरिसन, बात एक ही करते हैं, लेकिन समझने वाले जो है वो अलग अलग तरीके से। अब मैंने वही चीज लिखी हुई है, लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे लोगों को मेरी उंगली नजर आ रही है, मैं चांद दिखा रहा हूँ बी एम्पावर्ड में। अब उंगली में पकड़ के बैठ जाएंगे, आपकी उंगली मोटी है, नाखून के अंदर आपके मैल है, नाखून छोटा है, कांटा नहीं है, आपके यहाँ चोट कैसे लग गई, तो मेरा कसूर नहीं है, मैं तो चांद दिखा रहा हूँ। जिसको चांद देखना होगा वो चांद देखेगा, जिसको उंगली देखनी है उंगली देखेगा, जिसको नाखून देखना होगा नाखून देखना होगा, जिसको मैल देखनी है मैल देखेगा, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सब सच है।